24 लुधियाना से हूँ मैं। हमारी टीम लुधियाना से लगातार यहाँ पर है 25 सितंबर से लगातार हमारी तरफ से 25 सितंबर से जब ये मूवमेंट पंजाब में शुरू हुआ तब से ही हमारी तरफ से इस मूवमेंट में अपना जो सपोर्ट है वो प्ले किया जा रहा है। मकसद है कि शहर के जो नौजवान है वो पंजाब के हों चाहे हरियाणा के हों, जो शहर के नौजवान है उनको साथ में लेकर आया जाए, उनको इस मूवमेंट में किसानों का साथ बनाया जाए, क्योंकि जब मार पड़ेगी तो सिर्फ किसान पर नहीं पड़ेगी कंज्यूमर पर भी पड़ेगी। तो इस पे काम कर रहे हैं इसके साथ साथ इसके साथ साथ ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये देश की जो फांसीवादी सरकार है इसके खिलाफ खड़े होने के लिए सिर्फ किसान को नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आज किसान है, 6 महीने पहले मुसलमान थे, कभी कोई है कभी कोई है, इसके बाद कोई और भी हो सकता है, नौजवान भी हो सकते हैं। इससे पहले जो व्यापारी थे GST के वक्त उनके ऊपर मार पड़ी, डिमोनेटाइजेशन के वक्त उनके ऊपर मार पड़ी, तो किसी पर भी पड़ती है। तो ये नौजवानों को समझना जरूरी है। इसी के चलते मैंने अपना नेशनल अवार्ड जो नेशनल यूथ अवार्ड है वो भी यहाँ पर कल रिटर्न किया था, इसी स्टेज से अनाउंस कर और लुधियाना में डिप्टी कमिश्नर को दिया। अवार्ड कैसा था और डिटेल बताएं। नेशनल यूथ अवार्ड भारत सरकार इसी मोदी सरकार ने 2018 में मुझे दिया था, पूरे देश में वोटर जागरूकता पे काम करने के लिए। वोटर जागरूकता पे पूरे देश में काम करता आ रहा हूँ मैं पिछले 6 साल से, और शर्म आती है ये बोलते हुए कि जिस वोटर को जागरूक करने के लिए काम कर रहे थे वो वोटर को आज अपनी ही राजधानी में जाने नहीं दिया जा रहा। तो वो वोटर जागरूकता किस काम की, अगर हम जो काम कर रहे हैं जिसके लिए मुझे नेशनल यूथ अवार्ड मिला, जब उस काम को ही मिट्टी में मिला दिया, उस लोकतंत्र की मजबूती को ही मिट्टी में मिला दिया, तो वो अवार्ड किसी काम का। जब CA का प्रोटेस्ट हो रहा था, CNRC का प्रोटेस्ट हो रहा था, तब ये कहा जा रहा था कि यहाँ आतंकवादी हैं, और अब यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है तब ये कहा जा रहा है कि खालिस्तानी है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, टैग करना बहुत इजी होता है, उनका काम है टैग करना। उनका ये नाम रखने और नाम बदलने की सरकार है, या ये नाम बदलते हैं शहरों के जगहों के, और या ये नाम रखते हैं लोगों के, कभी किसी को सेकुलर बोलते हैं, कभी किसी को एंटी नेशनल, कभी टुकड़े टुकड़े, कभी अर्बन नक्सल, अभी मैं भी अवार्ड वापसी गैंग में आ गया इनकी, तो कभी ये किसी को कुछ, कभी किसी को खालिस्तानी बोलेंगे। तो ये इनका नाम रखने की ये सरकार है, इनका ये काम है, ये करते रहेंगे। अपना काम हमारा काम है, वही बात है ना कि बिच्छू का काम है काटना, हमारा काम है उसको साइड पे करना, हम करते रहेंगे। ये लोकतंत्र है, ये लोगों का देश है, हमारा इस देश पे पूरा भरोसा है, हमारे इसके संविधान पे पूरा भरोसा है, और सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, ये तो इन्हीं के लोग बोलते थे कि देश बना रहना चाहिए, तो उस पर ही काम करना चाहिए।